इसके फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक है और बैक में भी डिस्क ब्रेक है। इसमें किसी किस्म का ना पेट्रोल पड़ता है ना ही कोई इंजन ऑयल पड़ता है। बाकी ये बाइक टोटली जो है मेंटेनेंस फ्री है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब देख रहे हैं समर सीधी दोस्तों चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू लिख रहा हूं एक इलेक्ट्रिक बाइक का जो कि यूनाइटेड कंपनी की तरफ से है। इस बाइक की प्राइस और टोटल स्पेसिफिकेशन मैं वीडियो में बताऊंगा डिटेल्स के साथ। तो चलें अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये रहा यूनाइटेड का रिवोल्ट जो कि इलेक्ट्रिक बाइक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बाइक का मतलब ये कि यार इसमें ना पेट्रोल है ना ही इसमें इंजन ऑयल पड़ता है और ना ही इसमें कोई फालतू खर्चा है। सिर्फ जस्ट आपने इसको चार्ज करना है और चलाना है। इस बाइक में 48 वोल्ट की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 40 एम्पीयर की है और हमें साथ में 1500 वाट की मोटर देखने को मिलती है जो कि इसको पावर प्रोवाइड करती है जिससे ये बाइक चलती है। इस बाइक की टोटल माइलेज की बात कर लें तो 100% चार्ज पे ये तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लेता है इजीली आराम के साथ। इसके अलावा इस बाइक की जो चार्जिंग टाइम है वो 4 से 5 घंटे हमें देखने को मिलती है और 2 यूनिट की बिजली कंज्यूम करता है। और अगर हम इसके जगह फ्यूल टैंक की तरफ देखें तो यहाँ से इसका जो फ्यूल टैंक है वो बिल्कुल बंद है। इसका फ्यूल टैंक बंद होने की वजह ये है कि इस पर पेट्रोल नहीं पड़ता और इसी वजह से जस्ट फ्यूल टैंक लगाया गया है सिर्फ शो पीस ही है, ठीक हो गया। इसमें किसी किस्म का ना पेट्रोल पड़ता है ना ही कोई इंजन ऑयल पड़ता है ना ही इसकी कोई चेंजिंग करा रही है। जस्ट इसकी 1500 वाट की मोटर है और इसके अलावा इसकी बैटरी है जो कि इसको पावर देती है। बाकी ये बाइक टोटली जो है मेंटेनेंस फ्री है। अगर हम इस बाइक के स्पीडोमीटर की तरफ आ जाएँ तो ये बाइक ऑन करते ही आपको कम्प्लीटली वेलकम करता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमें स्पीड देखने को मिलती है, साथ में ट्रिप मीटर भी देखने को मिलता है, साथ में इसकी ये जो पार्किंग है उसकी ऑप्शन भी मिलती है और साथ में आपको बताता है कि इसकी जो बैटरी है वो कितनी रह गई है। इसके अलावा इस बाइक की एक और ख़ास बात यह है कि इसके फ्रंट पे और बैक पे दोनों पे हमें जो है ना ओलाई रिम्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एक और बात जो मुझे इस बाइक की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है वो ये है कि इसके फ्रंट पर भी डिस्क ब्रेक है और बैक भी डिस्क ब्रेक है। हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े बाइक्स 150 cc तक भी हमें फ्रंट पे और बैक पे दोनों पे डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलती है, लेकिन 70 cc कैटेगरी में ये बाइक आने के बावजूद इसके फ्रंट में भी और बैक भी डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है जो कि ड्यूल कैलिपर की डिस्क ब्रेक है। और इस बाइक की जो ब्रेकिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसा कि यहाँ पर हमें क्लच की ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर इसकी ब्रेक है, रियर ब्रेक है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है ये बाइक जो है ना इंजन नहीं है, इसका इंजन ना होने की वजह से हमें क्लच की ज़रूरत नहीं है, तो क्लच की जगह हमें यहाँ पर ब्रेक देखने को मिलती है। यहाँ पे इसकी पिछली ब्रेक है और यहाँ पे इसकी फ्रंट ब्रेक है, ठीक है। और दोनों ब्रेक्स के ऑयल रिजर्वर यहाँ पे देखने को हमें मिल जाते हैं। अगर हम इस बाइक की स्विच असेंबली की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे हमें स्पोर्ट्स मोड और इकोनॉमी मोड देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स मोड में बाइक की जो पावर है वो थोड़ी अच्छी हो जाती है, बैटरी की कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा जो इकोनॉमी मोड है इसमें आपकी जो बैटरी की कंज्यूम है वो काफ़ी कम हो जाती है जिसकी वजह से आपको जो है ना बैटरी का जो बैकअप है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा पार्किंग की ऑप्शन भी इसमें देखने को मिल जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे ऑन करेंगे पार्किंग ऑन हो जाएगी, इसके अलावा यहाँ पे लाइट इसकी ऑन हो जाएगी। साथ ही यहाँ पे एक और पार्किंग मोड है। लेफ्ट असेंबली पे आ जाएँ तो यहाँ पे लाइट हाई लो और इसके अलावा टर्न इंडिकेटर की ऑप्शन देखने को मिलती है। इसके अलावा इस बाइक में एक और ख़ास फीचर ये है कि इस बाइक में हमें रिवर्स गियर भी देखने को मिलता है जिससे ये बाइक रिवर्स होती है। और यहाँ पर जो है ना ऑप्शन है रिवर्स होने का, ठीक है, जो कि इसके हॉर्न के साथ ही हमें रिवर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप जैसे इसको क्लिक करके बाइक को चलाएंगे तो बाइक आपकी रिवर्स हो जाएगी। फ्रंट लाइट तो बेशक एक नॉर्मल 70 जैसे देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप जब इसको ऑन करेंगे तो आपको समझ जाएगी कि ये लाइट है कैसे। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं पहले नंबर पार्किंग लाइट है, उसके बाद फिर लाइट ऑन हो जाती है। और जैसा कि ये इसकी लो लाइट है, ठीक है, जैसे ही हम इसको हाई बीम पर करेंगे ये इसकी हाई बीम आ गई है, ठीक है। तो ये इसमें कंपनी प्लेट हमें देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। नॉर्मल 70 cc से इसकी जो हेडलाइट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। अगर इस बाइक की मैं ओवरऑल रिव्यू की बात करूँ तो इस बाइक में जो फीचर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। इवन के फ्रंट पे और बैक पे डिस्क ब्रेक भी है, अलॉय रिम्स भी हैं, पार्किंग लाइट की ऑप्शन भी मौजूद है, इसके अलावा फ्रंट पे LED दी गई है, इसके अलावा दोनों डिस्प्ले के ऑल रिजर्वर के सामने हैं। अब ये वाहिद ऐसी बाइक है जिसमें हमें रिवर्स की ऑप्शन भी देखने को मिलती है। जो भी हमें बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस की, तो 2,60,000 रुपये इस बाइक की प्राइस डिमांड की जा रही है जो कि मेरे लिहाज से काफ़ी हद तक वैल्यूएबल है। इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं, अगर आप जो है नॉर्मल 70 cc भी लें विद अलॉय रिम्स विद डिस्क ब्रेक तो वो बाइक भी तकरीबन इतने का ही पड़ जाता है। इसके अलावा अगर हम इस बाइक में किसी कमी पेशी की बात कर लें तो इसमें चेन गार्ड नहीं है और स्पेंसर इस बाइक में नहीं है, इस बाइक में क्लच नहीं है, इंजन नहीं है इस बाइक में। लेकिन इसका हमें बेनिफिट ये है कि इस बाइक की जो मेंटेनेंस है ना वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहरी सी बात है जो चेन अगर किसी बाइक में होता है तो उसको हमें रोजाना चेन को टाइट कराना पड़ता है, इंजन ऑयल चेंज करना पड़ता है, पेट्रोल डलवाना पड़ता है। ये बाइक जो है ना टोटली मेंटेनेंस फ्री है। तो इसका बाइक का जो चार्जर है मैं वो भी दिखा देता हूँ। बैटरी चार्जर है, ठीक है, नॉर्मल चार्जर है, नॉर्मल सॉकेट में चलता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी सॉकेट है, ठीक है, यहाँ पे आप लगा के इसको जो है ना नॉर्मल आप बिजली भी इसको चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो और इसी तरह से इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू रिव्यू के साथ। और इस बाइक के बारे में आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें। इसके अलावा शोरूम का एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।
और स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। अगर आप सब इंटरेस्टेड हैं तो आप शोरूम के ऑनर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।